अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे पास रखी थी शीरमाल के बची हुई रखी हुई थी, तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ कुछ। तो अब मैंने इसको पीस लिया है और देखिए मैं क्या बनाती हूँ अभी। ये मैंने इसमें घी डाला थोड़ा सा, ये मैंने दो इलायची और दो लौंगें डाली, और अब मैं डालूँगी इसमें जो मैंने ब्रेड पीस कर रखी है वो डाल दूँगी इसमें। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और ये बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा हलवा बन जाएगा। ये भुन गया है, अब इसमें मैं दूध डालूँगी। तीन चार चीज़ों में ही हलवा तैयार हो गया, बहुत ही अच्छा, मज़े में भी बहुत अच्छा, क्योंकि शीरमाल भी बहुत ही अच्छी होती है खाने में, वो वैसे ही वो इसमें घी वगैरह ज़्यादा रहता है। ये देखिए अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, मैंने थोड़ा सा दूध डाला है इसमें इसको गीला करने के लिए, थोड़ा ये फूल जाएगी। और अब इसमें डालूँगी शक्कर, शक्कर ये देखिए मुझे ज़्यादा लगी तो मैंने कम ही डाली कटोरी से, पूरी कटोरी नहीं डाली मैंने। और इसको अच्छे से मिला लेंगे और हमारा हलवा तैयार हो गया। आप भी बनाइए। और ये ज़रा सा मैंने इसमें कलर डाला, फूड कलर, इससे और अच्छा दिखने लगेगा, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हलवा हमारा तैयार हो चुका है। आप लोग भी बनाइएगा, आपके पास भी ब्रेड या शीरमाल बचती है तो उसकी बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए हलवा तैयार है हमारा, अब इसको हम निकालेंगे प्लेट में और हम खाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। देखिए आप इसमें कैसा दिख रहा है आपको, देखने में नहीं खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है। ये तैयार हो चुका है, अब मैं निकाल रही हूँ छोटी सी प्लेट में, फिर हम खाएंगे इसको। इसमें निकालते हैं, आप भी बनाइएगा, सभी को अच्छा लगता है, बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है हलवा खाने में।